ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है तो उसके 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, प्लस 686 अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या की जाती है, रिलीज की जाती है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व, अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें सबसे पहले ग्लूकोज को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। क्रेब्स साइकिल, हैंस क्रेब नाम का साइंटिस्ट था, उसने वो प्रोसेस शुरू की थी, इसीलिए उसको क्रेब्स साइकिल बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC बोलते हैं उसको, एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ऑफ ATP, ATP का ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो जाता है। अब इन ग्लाइकोलाइसिस, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड्स। जब एक ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, ब्रेक होता है, तो उसके क्या बन जाते हैं, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल देर आर फॉर्मेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट, पाइरूविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, प्लस 2 ATP एंड 2 NADH, ऐसे मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ये पहली स्टेप ग्लाइकोलाइसिस हो गई। अब दूसरी जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। हैंस नाम क्रेब नाम का साइंटिस्ट था, वो साइंटिस्ट ने ये प्रोसेस को बताया, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। ये किसके अंदर हो जाती है, तो दैट ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट इन्वॉल्व कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूविक एसिड, और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस हो जाती है एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूविक एसिड, पाइरूविक एसिड का भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में यील्ड 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कितने ATP मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करवा देता है, तो 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP को वो प्रोड्यूस करवा देता है। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कैन यील्ड 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP and in yeast and bacteria aerobic respiration occur outside the protoplasm। yeast और bacteria के अंदर ये जो anaerobic respiration रहता है वो outside the protoplasm भी किया जा सकता है। this is known as fermentation, वो एक cell के बाहर होने वाली process रहती है, उसको extracellular process ऐसे बोला जाता है। उसको एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस ऐसे बोला जाता है। एंड अपने मसल्स के अंदर ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज्ड टू फॉर्म लैक्टिक एसिड, एंड ड्यू टू द लैक्टिक एसिड मसल्स क्रैम्प्स एंड फटीग ऑफर्स आफ्टर हेवी एक्सरसाइज। अपने मसल्स के अंदर जब हम हार्ड वर्क करते हैं, हेवी एक्सरसाइज करते हैं, उस समय ग्लूकोज ब्रेक होके क्या प्रोड्यूस किया जाता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है, और लैक्टिक एसिड ज्यादा डिपॉजिट होने की वजह से मसल के अंदर क्रैम्स आना शुरू कर देते हैं या फटीगनेस हो जाता है। अब RQ किसे बोला जाता है, RQ इज द रेशियो ऑफ CO2 एंड O2 रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन। कितना CO2 रिलीज हो गया और कितना O2 इंटेक किया गया, इनका जो रेशियो रहता है उसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट ऐसे बोला जाता है। तो RQ इज लेस देन 1 फॉर प्रोटीन एंड फैट्स एंड मोर देन 1 फॉर कार्बोनिक एसिड्स एंड 1 फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन का और फैट्स का RQ 1 से कम रहता है और कार्बोनिक एसिड, कोई भी ऑर्गेनिक जो एसिड्स रहते हैं उनका 1 से ज्यादा रहता है, और कार्बोहाइड्रेट्स का RQ क्या रहता है, 1 रहता है। तो दिस इज अबाउट द रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन के बारे में हो गया। आज हमने
दो प्रोसेसेस कंप्लीट करवा दिए, दैट वन इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। एक प्रोसेस को हमने फोटोसिंथेसिस बोला है और दूसरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन ऐसे बोला है। तो ये दोनों प्रोसेसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बारे में कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी। है कुछ डाउट्स? नहीं है तो बाकी का अपन कल के लेक्चर में कंटिन्यू करवा देंगे। प्लांट मूवमेंट्स नाम की प्रोसेस आ जाती है, उसको हम वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, हैव अ गुड डे। आप लोग डाउट्स क्यों नहीं पूछते हैं?